हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और कोरोना महामारी के इस संकट काल में बहुत सारी मुसीबतें आम लोगों के ऊपर नजर आती हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। लॉकडाउन में एसटीवी हरियाणा न्यूज लोगों की मदद कर रहा है और इस मदद में कई संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी क्रम में नवकल्प फाउंडेशन ने एसटीवी हरियाणा न्यूज के साथ मिलकर आज गुरुग्राम के राजीव चौक पर जूते चप्पल बांटे। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने राजीव चौक पर पैदल जा रहे प्रवासियों को जूते और चप्पलें वितरित की। इस कार्यक्रम को नवकल्प फाउंडेशन और एसटीवी हरियाणा न्यूज की ओर से आयोजित किया गया था। भोजन राशन के बाद अब नवकल्प फाउंडेशन और हरियाणा न्यूज ने जूते और चप्पलें वितरित करने की सेवा शुरू की है। जो प्रवासी हैं, जो अपने घर जा रहे हैं और नंगे पैर जा रहे हैं, ये हमारे भाई साहब हैं, अनिल आर्या जी हैं, जो नवकल्प एनजीओ से जुड़े हुए हैं और ये कई दिनों से खाना भी और चप्पलें भी, पानी भी, सब कुछ, राशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आज इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करा था कि भी आप करिए इस प्रोग्राम को हमारे साथ में। तो इतने सारे मजदूरों को, जो प्रवासियों को हमने यहाँ पे चप्पलें और पानी जो हमने दिया है, लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं। मैं इनके एनजीओ को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि ऐसी एनजीओ जो हमारी हजारों एनजीओ हैं जो हमारे फील्ड में हमारे काम कर रही हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और भाई साहब को भी और हरियाणा न्यूज़ वालों को के साथ में मिल के जो आए ये प्रोग्राम किया है, आपको भी धन्यवाद। और अपने पूरे जितना भी एनजीओ काम कर रहे हैं या सीएसआर फंड से हो रहा है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी।